हाउ टू स्टार्ट कमीशन एजेंट बिजनेस। कमीशन एजेंट बनने के लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत है, कैसे बन सकते हो, कितना कमा सकते हो, उसमें चैलेंजेस कहाँ पे है, सो होल थिंग्स यू विल गेट टू नो इन दिस वीडियो। हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा, आई एम ऑथर, ट्रेनर, एक्सपोर्टर एंड बिजनेस कोच एंड इज वर्किंग ऑन अ मिशन टू बिल्ड द प्लेटफॉर्म कम्युनिटी एंड द फैमिली टू हेल्प ईच अदर एंड वी कैन ग्रो टूगेदर इन द इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले उसको सब्सक्राइब करो ताकि हम बहुत सारी बातें कर पाए बिजनेस के रिलेटेड एंड हाउ वी कैन ग्रो टूगेदर इन द इंटरनेशनल मार्केट। ना बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम है कि लाइक उनके पास कैपिटल इनफ नहीं होता, टाइम नहीं होता, रिसोर्सेस नहीं होते, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो क्यों ना हम ऐसे कोई जर्नी चालू करें कि जो हमें आखिर तक मतलब एक्सपोर्टर बनने तक लेके जाएगी। एंड फॉर दैट द कमीशन एजेंट बिजनेस इज वन ऑफ द बिजनेस, लाइक यू कैन स्टार्ट नाउ एंड यू कैन ग्रो एज लाइक यू कैन बिकम एक्सपोर्टर ऑल्सो एट द एंड, और यू कैन बिकम एज ए इम्पोर्टर ऑल्सो, और यू कैन कंटिन्यू एज अ कमीशन एजेंट बिजनेस ऑल्सो। वन ऑफ द पर्सन आई नो लाइक हु इज अ कमीशन एजेंट एंड दे आर अर्निंग इन द करोड़ रुपीज, बट यस दे हैव सेटल्ड बिजनेस नाउ, और वो मतलब बहुत सालों से वो धंधा कर रहे एंड दे हैव द गुड एक्सपीरियंस इन दैट ऑल्सो। बट इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो यस यू कैन गेट द गुड मार्जिन इन द कमीशन एजेंट बिजनेस ऑल्सो। सो वॉट इज एक्चुअली दैट, समझ के चलो एग्जाम्पल के तौर में मैं एक्सपोर्टर हूँ और मुझे अभी जर्मनी का मार्केट ओपन करना है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द जर्मनी के मार्केट में मुझे कौन मिल सकता है जो इम्पोर्टर हो सकता है, मेरा मेरे प्रोडक्ट्स को कौन ले सकता है। सो आई एम लुकिंग फॉर द पर्सन देयर। बट अगर अभी इसे ही मतलब मुझे अगर देखना है बायर जो ढूंढना होगा, इम्पोर्टर ढूंढना होगा, तो मुझे बहुत मेहनत है उसके लिए। सोर्सेस निकालो, लीड्स निकालो, फॉलोअप करो, उनको कन्वर्जन के लिए करो, फिर वो कब कन्वर्ट होगा तो इट विल टेक टाइम ऑल्सो, तो ये सारी प्रोसेस मुझे करनी पड़ेगी। बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ समवन इज देयर एंड दे आर हेल्पिंग मी टू गेट द लीड्स और टू कन्वर्ट द बायर and if they are charging some commission out of that, so that is okay for me. If I as a like I am as an exporter, so that is okay for me. अगर मुझे मेरे order में से 5% का commission उस बंदे को देना पड़े क्योंकि वो मुझे order दे रहा है, मुझे customer दे रहा है, तो वो सारी चीजों के लिए why not? I can do that. So commission agent का मतलब काम क्या होता है, वो connect करने का काम करता है buyers and sellers को। ओके, आइदर और यू वो कनेक्ट करने का काम करता है या मतलब सेलर और सप्लायर्स को भी, बायर एंड सप्लायर्स को भी कनेक्ट करने का काम करता है। सो अगर आपको कमीशन एजेंट बनना हो तो आपको मेडिएटर बनना है दोनों के बीच का। तो अगर हमें मेडिएटर बनना है तो आपको क्या क्या पता होने की जरूरत है। द फर्स्ट थिंग इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस का एक तो बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, ये धंधा कैसे वर्क करता है, तब जाके आप एज अ कम्युनिकेटर फॉर ऑन बिहाफ ऑफ मी यू कैन कम्युनिकेट विद द बायर कि इनको टर्म्स क्या है, एफओबी सीआईएफ किसको कहते हैं, लॉजिस्टिक कैसे चलता है, एफसीएल एलसीएल क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा। सो मतलब वो रोल भी आपको प्ले करना पड़ सकता है अगर आपको कमीशन भी अच्छा चाहिए तो। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। द नेक्स्ट इज आपके कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए और यस आपका मार्केटिंग स्किल भी अच्छा होना चाहिए। द थर्ड इज आपका नेटवर्किंग स्किल अच्छा होना चाहिए, कनेक्टिविटी विद द पीपल, रैपो बिल्डिंग, ये आपके पास अच्छा होना चाहिए। एंड इफ यू आर गुड इन टू दैट, यस डेफिनेटली द कमीशन इज द गुड बिजनेस फॉर यू। सो अभी से अगर आप उस स्किल में मतलब एक्सपर्ट हो या फिर आपको पसंद है तो यू कैन डेवलप यूर सेल्फ इज लाइक अ कमीशन एजेंट। हम नेटवर्किंग कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, तो जहां मतलब जिस मार्केट में जाओगे तो वहां पे रैपो बिल्डअप करो, कॉन्टैक्ट्स को बिल्डअप करो, एग्जीबिशंस में जाके वहां पे आपको बहुत सारे लीड्स मिलेंगे तो वो बिल्डअप करो। तो जहां पे ढूंढो कि एक्सपोर्टर कौन है जिसको मार्केट में जाना है, वहां पे ऐसा कौन बंदा है कि जिसको इम्पोर्ट करना है, वाइस वर्सा। अगर आप इंडिया के नेटवर्किंग में गुड हो तो उन लोगों को इंडिया के मार्केट में आना है तो आप उनको भी हेल्प कर सकते हो। सो दिस इज लाइक दैट। चैलेंजेस इसमें क्या हो सकते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन आपको पहले से क्लियर रखने पड़ेंगे, नहीं तो इन द टर्म्स ऑफ चैलेंजेस कि एक्सपोर्टर आपको बोल सकता है कि आपने जो लीड दिया वो अच्छा नहीं था या कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो अभी आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी आपने एफर्ट्स लिया है उसका क्या। और इसलिए आपको टर्म्स एंड कंडीशन में क्लैरिटी के साथ रखना पड़ेगा। अगर जो भी आप एफर्ट्स ले रहे हो उसके लिए कुछ अलग चार्ज करना चाहते हो तो उसको चार्ज करो, और कन्वर्जन के बाद अगर कुछ लेना चाहते हो तो उसके लिए अलग चार्ज करो। सो ये सिर्फ जब जो भी है बिजनेस का मॉडल है वो आप अपने तरफ से डिसाइड कर सकते हो और उसके हिसाब से आगे चल सकते हैं। बट यस आई मीन टू से कमीशन एजेंट इज अ गुड बिजनेस फॉर दोज पीपल, दे लव द नेटवर्किंग, दे हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यस दे लव द कनेक्टिंग टू द पीपल। सो इसमें अभी आपके रिस्क भी नहीं है, यू डोंट हैव द इनफ मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करने की जरूरत नहीं है, और दूसरा आप जो भी अपना काम कर रहे हो उसको करते करते भी ये कर सकते हो।
So this is all about that. You can start your business as a commission agent also. If you need any help regarding this, you can connect us to the Global Fortune and yes, we will definitely help you in that. So comment in the comment box. आप मतलब क्या बनना चाहते हो? What are the opportunities you are looking in the export business and like what are the helps you are needed from the Global Fortune and me? So definitely we will help you there. So to know more about the export import business, you can join my free webinar www.kdsushma.com/booknow. Take action, start your journey. Jai Hind.